दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में राष्ट्र सेवा योजना इकाई की संयुक्त इकाइयों के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा महेंद्र ने रामगंगा नदी के जल स्वास्थ्य के बारे में बताया। सर्वप्रथम उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने स्वयं सेविकाओं को प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने जल प्रदूषण को कम करने के भी उपाय पर चर्चा की। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम गुप्ता ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और जल की बर्बादी को रोकने का आह्वान किया। स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मधुबाला त्यागी ने स्वयं सेविकाओं से महाविद्यालय परिसर, अपने घर और आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर रीता जेटली, डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर रीना, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर जॉली गर्ग आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम का संयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विमल शर्मा और डॉक्टर मंजू जौहरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं मोनिका, सोनिया, नेहा, रितु, नीतु, रिंकी, तनु आदि का विशेष सहयोग रहा। आज हमने पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया है एनएसएस की दोनों इकाइयों की स्वयं सेविकाओं के साथ मिलकर। क्या मकसद रहा और क्या मैसेज दिया? इसका मेन मकसद ये, देखिए वैसे तो वो बहुत विस्तृत विषय है पर्यावरण, तो हमने इसमें वाटर पॉल्यूशन को लिया कि कैसे हमारी नदियाँ नाले जो है प्रदूषित हो रहे हैं, उनमें टॉक्सिक एलिमेंट हैं जो कि हमारे जो जिनका हैबिटेट है नदियाँ वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मछलियाँ हैं, प्लैंकटॉन्स हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम अपने इस पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हम बच्चों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि वो आसपास अपने ही लोकेलिटी में लोगों को अवेयर करें।